गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे आई विल एक्सप्लेन यू न्यूमेरिकल नंबर 5.18, 5.19 एंड 5.20। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल 18 इज 2.9 ग्राम ऑफ ए गैस एट 95 डिग्री सी ऑक्यूपाइड द सेम वॉल्यूम एट एज 0.1854 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन एट 17 डिग्री सी। सो यू कैन सी चिल्ड्रेन, देयर आर टू टेम्परेचर्स गिवन, 95 डिग्री सी एंड 17 डिग्री सी। सो T1 इज इक्वल टू 95 डिग्री सी is equal to 95 plus 273. First we will convert it in Kelvin, okay? Then T2 is equal to 17 degree C is equal to 17 plus 273. So 5 and 3, 8, 368, and this will become 290. This is Kelvin. We have converted in Kelvin. Now it is said that volume is same. That means V1 is equal to V2. Then it is said that at the same pressure, that is P1 is also equal to P2. So we know that, and what we have to find out, molar mass of the gas. So PV is equal to nRT, and P and V both are same. So what we can write, children? N1 RT1 is equal to N2 RT2. ये कहाँ से आया बेटा फॉर्मूला? PV is equal to nRT. So P1 is equal to N1 RT1 and N2 RT2. So ये दोनों तो इक्वल हैं, इसलिए बचा क्या हमारे पास? N1 RT1 is equal to N2 RT2. Now N1 मतलब क्या होता है बेटा? Small m upon capital M, जो weight mass given है, and that is small m1 upon molecular mass into RT1 is equal to small m2 upon molecular mass of RT2. ये समझ में आया? अपन ने क्या पढ़ा है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल m. सो कैपिटल m वी डोंट नो, एंड स्मॉल m इज गिवन, दैट इज 2.9 ग्राम ऑफ ए गैस. सो 2.9 अपॉन m1 वी हैव टू फाइंड आउट इंटू RT1. सो RR भी दोनों साइड के आंसर कर देते हैं, T1 सिर्फ लिख दें चलेगा. सो T1 इज इक्वल टू 368 इज इक्वल टू, व्हाट इज आवर M2 बेटा? M2 इज 0.184 ग्राम. सो 0.184 डिवाइडेड बाय व्हाट इज आवर M2? M2 क्या है? डाईहाइड्रोजन है. सो डाईहाइड्रोजन यानी मोलर मास ऑफ डाईहाइड्रोजन इज 2, H2 मतलब 2. R तो हमने पहले ही कैंसिल कर दिया है, and T2 is 290. Therefore M1 is equal to, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2.9 into 368 into 2 divided by 0.184 into 290. Correct. So it will give us 40 gram mole inverse, yeah, per mole. Easy. कौन सा फॉर्मूला लगाया? PV इज इक्वल टू nRT, बट P1 इज इक्वल टू P2 एंड V1 इज इक्वल टू V2. सो वी हैव डायरेक्टली डन N1 RT1 इज इक्वल टू N2 RT2. R भी दोनों साइड है, सो हटा दो, दोनों साइड से कैंसिल कर दो. सो बचा क्या? N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2. ओके, अब N फॉर्मूला यहाँ पे लिख लो, ध्यान रखना. N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू स्मॉल m मास गिवन अपॉन मोलर मास होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर से ही रीड कर रखा है. सो इट इज, and this we have to find out. So put all those values and find out M1. Next question we will do, that is a mixture of dihydrogen and dioxygen at 1 bar pressure contains 20% by weight of dihydrogen. तो सपोज करो कि 100 ग्राम है तो उसमें 20 ग्राम होगा, 100 ml है तो 20 ml होगा. सो डाईहाइड्रोजन इज 20 एंड डाईऑक्सीजन कितना बचेगा? तो दोनों का मिक्सचर है, सो इट इज 80. सो 20 80, यू अंडरस्टूड बेटा? परसेंट मतलब हो गया. Therefore, number of moles of dihydrogen is equal to mass given divided by molecular mass is equal to 10 moles. Similarly, moles of dioxygen is equal to 80 divided by dioxygen का कितना होता है बेटा? 32. 16 एक का होता है तो 16 टू जा 32. So we will write here. So when you will divide 32 to just 64, and 2.5 moles will come. Okay, number of moles we have got.
नाउ टोटल मोल्स कितना हो जाएगा बेटा, वी विल राइट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, पी पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइहाइड्रोजन. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइहाइड्रोजन इज गिवन बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन. ठीक है, सो ऐसा लिखो एक्स दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन इंटू पी टोटल. अंडरस्टूड, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं डाइहाइड्रोजन के मोल्स, यहाँ लिखो मोल फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच टू डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स. टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ एच टू कितना है बेटा, 10. सो 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2.5 यानी 10 डिवाइडेड बाई 12.5, दिस इज अवर मोल फ्रैक्शन ऑफ एच टू. सो वी विल पुट ऑन दिस फॉर्मूला, राइट. देयरफोर पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू विल बी गिवन बाई मोल फ्रैक्शन दैट इज एक्स ऑफ एच टू यानी 10 डिवाइडेड बाई 12.5 इंटू पी टोटल. पी टोटल क्या दे रखा है, 1 बार क्यूब. कैसे समझ में आया 1 बार दे रखा है, इट इज गिवन एट 1 बार प्रेशर. सो इंटू 1, सो 10 डिवाइडेड बाई 12.5 विल गिव अस 12. एट जन है ये, इसको 0 यहाँ ले लो, 25 जा 25 4 जा 5 0.8 बार, दिस इज अवर पार्शियल प्रेशर. यू अंडरस्टूड बेटा, मिक्सचर है 20% वेट ऑफ डाइहाइड्रोजन. सो इफ 20% डाइहाइड्रोजन इज देयर, सो डाई ऑक्सीजन विल बी 80%. सो 20-80 रेशियो हो गया. मोल्स ऑफ एच टू निकाल लो, 20 डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर मास ऑफ एच टू कितना होता है, एटॉमिक मास 1 होता है, तो मॉलिकुलर मास इंटू 2 इंटू 1 इज 2, 10 मोल्स. मोल्स ऑफ ओ टू वी हैव टेकन आउट, 80 डिवाइडेड बाई 32, 2.5 मोल्स. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू इज गिवन बाई, दिस इज मोल फ्रैक्शन बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एच टू इंटू पी टोटल. ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर में. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ एच टू इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच टू डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स. सो 10 इज द मोल ऑफ एच टू डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, देन पुट ऑन दिस फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर 0.8 बार. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज वॉट वुड बी द SI यूनिट ऑफ फॉर द क्वान्टिटी PV² T² / N. जी है, प्रेशर का क्या होता है SI यूनिट, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन मीटर डेस टू माइनस टू. V की क्या होती है बेटा, मीटर के सेंस में मीटर डेस टू पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, उसका स्क्वायर यानी 2 इंटू टेम्परेचर इज केल्विन स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल. N का होगा SI यूनिट क्या होगा, मोल. सो वी हैव रिटन दिस. नाउ वी विल राइट न्यूटन, 3 टू जस्ट 6 मीटर रेस टू 6 माइनस 2 4 न्यूटन मीटर 4 केल्विन स्क्वेयर मोल इनवर्स. पी के लिए न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, न्यूटन मीटर रेस टू माइनस 2, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, मीटर मीटर के सेंस रिलेशन में सब लेंगे ना, सो मीटर क्यूब इंटू स्क्वेयर क्योंकि वी स्क्वेयर इज देयर, के केल्विन स्क्वेयर, टी स्क्वेयर इज देयर, एन मीन्स मोल, सो मोल. सो फाइनली 3 टू जस्ट 6 मीटर रेस टू 6 माइनस 2 यानी 4 न्यूटन मीटर 4 केल्विन स्क्वेयर मोल रेस टू माइनस 1 या मोल इनवर्स. थैंक यू.